अलैकुम स्टूडेंट्स, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है। हमने इसको चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में या प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो ये क्वेश्चन है, पहले हम इनको सिंपलीफाई करेंगे। या तो आप 3 और 7 का एलसीएम ले लें, वो भी सही है, या इनके एलसीएम को आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लें। 3 और 7 में हमारे पास कोई कॉमन मल्टीपल नहीं होता है इनका, तो ये जब कोई दो फैक्टर ऐसे होंगे जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो तो उनका एलसीएम उन दोनों को प्रोडक्ट करने से आ जाता है, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 21। अब 21 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा लें, मल्टीप्लाई बाय 21 ऑन बोथ साइड। यह अगर 21 मल्टीप्लाई x2 + 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 21 मल्टीप्लाई x डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई 1। 7 1 7 7, 3 1 3 3, 7 21। यहाँ दिखा से कर दें, 7 1 7 7, 3 21। इधर बच गया हमारे पास 7 x के + 4, इधर -3 इंटू एक्स इक्वल टू 21 21। अब 7 को बार बार इस एक्स के से मल्टीप्लाई करना है, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास आएगा 7 x के + 7 4 28 माइनस को मल्टीप्लाई करें 3x और इक्वल टू 21। 21 को हम उठा के इधर ले आएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। 7x के - 3x लिख लेता हूँ मैं, +28 - 21 इक्वल टू 0। 7x के - 3x, अब 28 - 21 को सब्ट्रैक्ट करें, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, +7 इक्वल टू 0। इससे आगे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये हमारे पास कौन सी फॉर्म होगी, क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।